हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल गुरुकुल लाइव। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के बारे में और जो हाल में रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने। तो डिटेल में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन रिलीज़ करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रस्तुत करता है। ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बजट से एक दिन पहले हर साल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, वन डे बिफोर बजट एवरी ईयर। ओके, इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया की अध्यक्षता में बनाया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अध्यक्षता में ये डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। ओके, दिस डॉक्यूमेंट इज बीन क्रिएटेड। मिनिस्ट्री का यह डॉक्यूमेंट भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या करता है हम ये जानते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, ये रिव्यू करता है डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुए ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर उसे ये रिव्यू करता है। सेकंड थिंग ये क्या करता है, समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं इकोनॉमी में उनको ये समराइज करता है, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडियन इकोनॉमी उसकी समरी देता है। ओके, थर्ड इसमें क्या करता है, हाईलाइट द पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉलिसी इनिशिएटिव क्या लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसे ये हाईलाइट करता है। एंड फोर्थ, द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। प्रॉस्पेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसे चेक करता है। तो क्या क्या देता है हमें इकोनॉमिक सर्वे, नंबर वन डेवलपमेंट इन पास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड इज मेजर डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ इंडियन इकोनॉमी की समराइज करता है, थर्ड क्या करता है पॉलिसी इनिशिएटिव की चेक करता है, एंड फोर्थ करता है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। ये चार चीज़ें हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। उसके साथ ही मिनिस्ट्री का ये डॉक्यूमेंट भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट 1951 में लाया गया था। फर्स्ट कब आया था, 1951 में, लेकिन उस समय यह बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया था विद बजट। 1964 से यह डॉक्यूमेंट सेपरेटली प्रस्तुत किया जाने लगा। ओके, तो यह सेपरेशन कब हुआ, 1964 में। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना गवर्नमेंट के लिए बंधनकारक नहीं है, नॉट कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट इन द पार्लियामेंट। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अभी ये बजट का एक अविभाज्य अंग बन गया है, जिसे गवर्नमेंट के लिए प्रस्तुत करना बंधनकारक हो गया है, बट नॉट ऑन पेपर। ओके, इस साल 2024 का आर्थिक सर्वेक्षण मींस इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ है 22 जुलाई 2024 को, जो कि बजट के एक दिन पहले हुआ। तो अब चलिए देखते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या है। इस इकोनॉमिक सर्वे में 13 चैप्टर है, स्टेट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड पे। फर्स्ट है स्टेट ऑफ इकोनॉमी एसटीडी एस शी गोज, सेकंड है मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन स्टेबिलिटी इन द वॉच वर्ल्ड, थर्ड है प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन दे आर अंडर कंट्रोल, फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर्स स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी, फिफ्थ है मीडियम टर्म आउटलुक अ ग्रोथ विजन फॉर न्यू इंडिया, सिक्स्थ है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन डीलिंग विद अ ट्रेड ऑप्स, सेवन्थ है सोशल सेक्टर बेनिफिट्स दैट एम्पावर, एट्थ है Employment and Skill Development Towards Quality, 9th Agriculture and Food Management, Plenty of Upside Left If We Get It Right, Okay. 10th Industry Small and Medium Matters, 11th Services Fueling Growth Opportunities, 12th Infrastructure Lifting Potential Growth, 13th Climate Change and India, Why We Must Look Into the Problem Through Our Lens, ये है last chapter। तो चलिए वंदा वन करके एक ही chapter पढ़ते हैं। First है State of Economy, Steady As She Goes। इसमें हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कंपेयर किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं 2022 में वर्ल्ड आउटपुट जो था वो था 3.5%। ओके, 2023 में वर्ल्ड आउटपुट हो गया है 3.2%। ये है वर्ल्ड की। एडवांस इकोनॉमिक्स के बारे में आप जानेंगे तो 2.6, ओके, जो 2.6 था वो एडवांस इकोनॉमीज अभी 1.6 हो गए हैं। ओके, 2023 में आउटपुट। लेकिन इमर्जिंग मार्केट करें तो इमर्जिंग मार्केट में आप देखेंगे ये ग्रोथ है, यहाँ पे डिक्लाइन है वर्ल्ड आउटपुट एंड एडवांस इकोनॉमीज में। लेकिन इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या हो रही है, इंक्रीज है ये
मीन्स पॉजिटिव साइड है, दिस इज पॉजिटिव। 4.1 से लेके अभी ये 4.3 हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ, विच इज़ बेटर दैन एक्सपेक्टेड। इसके बाद देखेंगे हम ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज ईजिंग वाइल मर्चेंटाइज इज रैम्पन इन 2023। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। 2023 में ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना था, 8.7% था, तो ये नीचे जाके क्या कितना हो गया, 6.8%। तो इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, 8.7 से हो गया 6.8। ये फिगर्स आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, UPSC में ना आए लेकिन बाकी एग्जाम्स में आते हैं, जैसे नाबार्ड्स या अदर एग्जाम्स। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिकरिंग डिसरप्शंस डैम्पन्स ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ। तो वॉल्यूम तो ग्रो हुआ है लेकिन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड कम हुआ है। इंक्रीज इन द सर्विस ट्रेड पार्टली ऑफसेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गुड्स एंड ट्रेड। तो इंक्रीज इन सर्विस ट्रेड पार्टली ऑफसेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो सर्विस ट्रेड सर्विसेज में इंक्रीज हुआ है, ओके, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन गुड्स एंड ट्रेड में हुआ है। इंडिया GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड रिमेन रोबस्ट, स्टेडी प्राइवेट कंजम्पशन एंड द इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट ड्राइव ग्रोथ। तो इंडियन जो GDP है वो ग्रोथ किसकी वजह से हुई है, स्टेडी प्राइवेट कंजम्पशन, ओके, एंड द इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट ड्राइव ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो बढ़ रहा है एंड प्राइवेट कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इंडिया की GDP ग्रो हुई है। कितनी ग्रो हुई है, 2024 में है 8.2 एंड 2025 में फोरकास्ट किया जा रहा है 7.0 6.0, ये एस्टिमेटेड है। तो रियल कौन सा ये है 2023 में, लेकिन ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट है 7.0, अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, ठीक है, लेकिन मानना जा रहा है कि ये बढ़ता ही जाएगा, 8.2 हुआ है। शेयर इन GDP इज द करंट प्राइजेस, तो इसमें से सबसे पहला GDP में हाईएस्ट शेयर किसका है, प्राइवेट कंजम्पशन का, जैसे ऊपर बताया हमें कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने से GDP ग्रो हुआ है, तो प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर है 60.3%। सेकेंड नंबर पर इन्वेस्टमेंट का शेयर है 30.8% एंड थर्ड नंबर पर एक्सपोर्ट का शेयर कितना है 21.9%। ओके, इनकी वजह से GDP में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बीइंग ड्रिवन बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट कैपेक्स विद द हाउस होल्ड ऑल्सो पिचिंग इन। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के इन्वेस्टमेंट की वजह से GDP में ग्रोथ हुई है। गवर्नमेंट कैपेक्स क्राउडिंग इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स ग्रो बाय 19.8%, सेंटर एंड द स्टेट्स कैपेक्स ग्रो बाय 22.9%। ओके, हाउस होल्ड सेविंग इन द फिजिकल एसेट एज अ परसेंट ऑफ GDP अप फ्रॉम 10.8% टू 12.9%। सो हाउस होल्ड जो सेविंग है फिजिकल एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स लाइक हाउसिंग और एनीथिंग रियल एस्टेट, उसमें उनकी जो ये है सेविंग है वो बढ़ गई है, कितनी, 10.8 से आज की फिगर है 12.9%, 10.8 थी जो 2021 में, वो 23 में हो गई है 12.9%। इस ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ोतरी है और GDP बढ़ रहा है, ओके, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैपेक्स क्राउडिंग इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो कितना हुआ है, प्राइवेट कॉरपोरेशन कैपेक्स कितना ग्रो हुआ है 19.8% एंड सेंटर एंड द स्टेट कैपेक्स कितना ग्रो हुआ है 22.9%। दिस नंबर्स यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इम्प्रूविंग, हायर शेयर ऑफ कैपेक्स। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि क्वालिटी जो है यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वो इम्प्रूव हुई है, कैसे, क्या हम देखते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2021 में 12% था, उसका शेयर बढ़ के अभी 21% हुआ है। तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे जनरेट होते हैं मीन्स कई तरह के फिजिकल एसेट्स लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, तो डेवलपमेंट्स आती है, ओके, तो इस तरह से इनका मानना है कि डेवलपमेंट्स बढ़ी है क्योंकि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्टली सैलरीज देने में या अदर एक्सपेंसेस पे होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है इसीलिए क्वालिटी ऑफ यूनियन एक्सपेंडिचर इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फिगर याद रखिए, 12% 21% हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है 88 से 79, ये 9% का डिफरेंस है और इसमें भी 9% का डिफरेंस है क्योंकि 9 तो आएगा ही ऑब्वियसली, ये याद रखिए तो दूसरा याद आ जाएगा आपको। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट शोज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन। तो फिस्कल डिफिसिट कम हुआ है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो हम ये आंकड़े देखेंगे, ब्लू किसे मार्क करता है, मिसेलिनियस कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेड है नेट लेंडिंग, ये है ग्रीन है कैपिटल आउटले एंड येलो है रेवेन्यू डिफिसिट। तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो FY19 में फाइनेंशियल ईयर 2019 में था 70%, वो आज 24 में
हुआ है 46.3%, ये एक इस्टीमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। ओके तो ये हुआ है अभी 46.3%। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कैपिटल आउटले भी धीरे धीरे बढ़ा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो आउटले है वो 47.6% हुआ है, और रेवेन्यू डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड मिसलेनियस कैपिटल रिसीट, तो मिसलेनियस कैपिटल रिसीट है वही थोड़ी कम हुई है। एंड नेट लेंडिंग है तो नेट लेंडिंग बढ़ रही है, दिस इज़ गुड थिंग। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिवली लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ एंड स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर आर इम्पार्टिंग रिसालियंस टू द इकोनॉमी। लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, एंड स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर, जो एक्सटर्नल सेक्टर से हमारे वो स्टेबल है, इसीलिए इकोनॉमी हमारी रिजालियंट हो गई है, मतलब हम किसी भी शॉक को झेलने के लिए सक्षम है अभी, इकोनॉमिक शॉक को। अब देखिए इंडियाज हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी, तो इंडिया में ग्रोथ हाई है एंड इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ 8% के ऊपर है, लगभग 8.2% के आसपास। ओके एंड जो इन्फ्लेशन है वो लो है, इन्फ्लेशन 6 के अंदर है, अराउंड 6 है, 6 के आसपास है, ठीक है। तो बाकी जो अदर कंट्रीज देखेंगे आप यार, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज देखेंगे, उनके भी ग्रोथ कम ही है, इस एरिया में ग्रोथ कम है। जैसे जर्मनी में इन्फ्लेशन भी तो ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से ग्रोथ काफ़ी है, 1-2%, या US में 3-4% के बीच में, और इन्फ्लेशन 6 के अंडर है, तो इनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं है, बट दिस इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग। सेकंड है द रुपी वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज ओवर द 2023-24, तो रुपी स्टेबल करेंसी रहा है इंडियन रुपीज़ का, जिसमें एप्रिसिएशन हुआ है 1.9%, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज। और ब्रिटिश पाउंड में डिप्रिसिएशन है -1.4 का, मैक्सिकन पेसो में एप्रिसिएशन है 1.3 का, तो रुपी से ज़्यादा स्टेबल करेंसी हम पेसो को मानेंगे। ओके क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में तो पेसो है रुपी से ज़्यादा स्टेबल करेंसी। बाकी जापानीज येन वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल करेंसी, 18.1% का एप्रिसिएशन आया है, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ रही है इसे देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि CPI इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है एंड मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो CPI इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और थोड़ा यहाँ पे बढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे 3.59 था 18 में, उसके बाद 19 में थोड़ा कम हुआ है, 20 में थोड़ा बढ़ा है कोरोना वगैरह की वजह से, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद भी पैंडेमिक एंड ग्लोबल पैंडेमिक डिस्टर्बेंस भी है, फिर भी इंडिया ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन के मामले में। ओके एंड 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 5.36 होगा, तो लेट्स सी इन्फ्लेशन कितना होता है। यहाँ पे 9-14 में मैक्रो वल्नरेबिलिटी हाइट काफ़ी हाइटेंड हो गई थी लेकिन ये फिलहाल कम होती जा रही है, ठीक है। इंडिया का मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कितना है अभी फिलहाल, 5.36, और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा ऐसा हम मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी ऑफ द ग्रोथ, तो स्वच्छ भारत मिशन कितने टॉयलेट बिल्ट हुए हैं 2024 में, बिल्ट हुए हैं 11.7 करोड़, आज तक 2024 तक 11.7 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट बिल्ट हुए हैं। ओके 11.6 करोड़ जल जीवन मिशन के अंदर टैप वाटर कनेक्शन आए हैं, 11.6 करोड़, ये नंबर याद रखने हैं आपको, 11.7 करोड़ टॉयलेट बिल्ट हुए हैं, 11.6 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन आए हैं, 10.3 करोड़ पीएम उज्ज्वला योजना को गैस कनेक्शन प्रोवाइड हुए हैं आज तक की डेट में 10.3। ओके मतलब ये अप्रैल 2024 तक। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 6.9 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन मिला है। ओके एंड 2.6 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के अंदर पक्का हाउस बिल्ड कर दिया गया है, ये फिगर आपको याद रखने अच्छे से। 11.7 करोड़ टॉयलेट बिल्ट हुए अंदर स्वच्छ भारत मिशन, 11.6 करोड़ जल जीवन मिशन टैप वाटर कनेक्शन आए हैं, 10.3 करोड़ पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन प्रोवाइड हुए हैं, 6.9 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन मिला है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, एंड 2.6 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के अंदर पक्का हाउस बिल्ड मिला है, बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस स्कीम अंडर इंस्पेक्शन। ओके नेक्स्ट है चैप्टर मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन स्टेबिलिटी इन द वॉच वर्ड, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ इन द बैंक क्रेडिट, 118.9 2022 से आज ये आंकड़ा बन के हुआ है 164.3%।
ओके, तो 164.3 लाख करोड़ के लोन बांटे गए हैं। सो क्रेडिट डिसबर्स बाय SCB स्टूड टू 164.3 लाख करोड़, ग्रोइंग बाय 20% इन द एंड ऑफ मार्च 2024। ओके, सो ये आंकड़ा है, ये अच्छी बात है कि बैंक क्रेडिट में ग्रोथ हुई है। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चर्निंग द व्हील ऑफ इकोनॉमी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? कॉमन सर्विस सेंटर, अभी इंडिया में कितने फंक्शनल है? 5.7 लाख। ओके, 116.7 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर है इंडिया में, 117.6। ये आंकड़ा आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 100 CR से ऊपर है, ऐसे आप याद रखने से ये। ओके, ई सर्विसेज और उमंग प्लेटफॉर्म में ई सर्विसेज कितने हैं? 1984 ई सर्विस है आज की डेट में उमंग प्लेटफॉर्म पे। वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजेक्शन्स 2024 बाय वॉल्यूम इट इज 13,116.5 करोड़, इतने ट्रांजेक्शन हुए, 13,116.5 करोड़, ये आंकड़ा बोलने में भी कितना बड़ा है। एंड वैल्यू है नियरली 200 लाख करोड़ वैल्यू है, एंड ट्रांजेक्शन नंबर है 13,000 करोड़ ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ऐसे याद रखे तो भी चलेगा। 13,000 करोड़ आपकी ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम है एंड 200 लाख करोड़ वैल्यू है। ओके, 139.7 करोड़ आधार कार्ड जनरेटेड, नियरली 140 करोड़ आधार कार्ड जनरेट हुए है। ओके, नियरली 30 करोड़ यूजर ऑन डिजी लॉकर, 30 करोड़ ऑन डिजी लॉकर है। ओके, और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 35.5 करोड़ ऑप्टिकल फाइबर केबल लेड हुए है, तो 35 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा जा चुका है इंडिया में। ठीक है, तो ये इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमने इसमें प्रोग्रेस किया है ये हमें बता रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। जैसे व्हाट इज़ उमंग, अब ये उमंग क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, उमंग इट इज़ अ मोबाइल ऐप, अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, MEITY का, बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। द ऐप सपोर्ट 23 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ओके, उमंग प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस द पैन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, तो अभी यहाँ पे 1984 ई गवर्नमेंट सर्विस है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, जितनी लोकल बॉडीज़ की सर्विसेज है, फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल बॉडीज, तो ये सारी सर्विसेज प्रदान करता है। फिलहाल ये आंकड़ा है 1984 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फैसिलिटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो राइज इन लोन डिसबर्स बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 1.8 लाख करोड़। ओके, दिस इज अ बिग लिप, 0.3 to 1.8 लाख करोड़ इन 10 ईयर्स। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। ओके, वुमेन कंसिस्ट ऑफ 98% ऑफ द टोटल क्लाइंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो वुमेन है, मोस्टली वुमेन के नाम पे ही लोन लेते हैं, या फिर वुमेन जो SHG होती है उनको ये लोन मिलता है। ओके, सो वुमेन कंस्टिट्यूट 98%। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैव रीच्ड आउट ओवर 532 लाख क्लाइंट विथ अ टोटल लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ 1.8 लाख करोड़ अंडर द माइक्रो क्रेडिट। ये 1.8 लाख करोड़ है, टोटल कितने हैं? 532 लाख। सो दिस इज बाय वैल्यू एंड दिस इज बाय वॉल्यूम। 532 लाख लोगों को मिला है 1.8 लाख करोड़ लोन। राइज इन RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फ्रॉम 60.1% इन मार्च 2023 टू 64.2% इन मार्च 2024 इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन द एक्सेस यूजेस एंड द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो ये RBI का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसके 3 पैरामीटर होते हैं। ओके, फर्स्ट पैरामीटर है एक्सेस, सेकंड है यूजेस एंड थर्ड है क्वालिटी। ओके, तो इसके एक डिफरेंट परसेंटेज होते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस का वेटेज है इस इंडेक्स में, वो है 35%। ओके, यूसेज का वेटेज है 45% एंड क्वालिटी का वेटेज है 20%। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है यूजेज का 45%, एक्सेस का 35% एंड क्वालिटी का 20%। तो आपको कैसे याद रखना है वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है? तो यू सबसे लास्ट में आता है, इसलिए यू का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यूजेज।
45%, इसके बाद है क्वालिटी, इसके बाद है एक्सेस, उसके बाद है क्वालिटी। तो आप यू से आप अल्फाबेटिकली उल्टा जाइए, फिर यू ए क्यू, यू है 45%, उसके बाद ए आएगा एक्सेस, उसका 35%, ये हो गया 80% एंड बचा हुआ 20% जाता है क्वालिटी को, 20% क्वालिटी। तो इस तरह से आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो वर्क करता है। इट कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अ सिंगल वैल्यू रेंजिंग बिटवीन 0 and 100, वेयर 0 रिप्रेजेंट कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन वाइल 100 इंडिकेट फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन 64.2 है इसका वेटेज आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से, जो एक अच्छी बात है। इंडेक्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट बेस ईयर, इस इंडेक्स का कोई बेस ईयर नहीं है। ओके, ये बात आप याद रखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई भी बेस ईयर नहीं है। उसके बाद द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ईज ऑफ एक्सेस अवेलेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस कंसिस्टिंग, इसमें 97 इंडिकेटर्स होते हैं टोटल, टोटल इंडिकेटर 97, ये तो एक्सेस यूजेस एंड क्वालिटी वेटेज है, इसके अंडर जो इंडिकेटर्स आते हैं वो टोटल 97 है, जिसको हमने जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिएगा तो भी बहुत है एग्जाम के लिए। इसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है इंश्योरेंस, नेक्स्ट है पोस्टल एंड पेंशन, ऐसे चार सेक्टर को इंक्लूड करता है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर को। ठीक है, चलिए। माइक्रो फाइनेंस इज अ फाइनेंशियल सर्विस टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस हु लैक एक्सेस टू कन्वेंशनल बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो माइक्रो फाइनेंस किन लोगों को लोन देता है? जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बैंक में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लोन लेने के लिए, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए गिरवी रखने के लिए, या फिर आपकी सैलरी होनी चाहिए। देर आर हार्डली 2% टैक्स पेयर्स इन इंडिया, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट होना मुश्किल नहीं। तो माइक्रो फाइनेंस ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें लोन देते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी इमर्जिंग एज अ डोमिनेंट गेटवे फॉर इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, एज ऑफ मार्च 2024 टोटल एसेट साइज ऑफ IFSC बैंकिंग यूनिट क्रॉस $60 बिलियन, $60 बिलियन ने क्रॉस किया एंड द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन देम क्रॉस $795 बिलियन। ओके, जो इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसने बैंकिंग यूनिट है उनने क्रॉस किया $60 बिलियन का एसेट साइज क्रॉस किया है एंड जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो $795 बिलियन के क्रॉस कर चुके हैं। क्यूमुलेटिव फंड मैनेजमेंट एंटिटीज ऑफ फंड रजिस्टर विद IFSC रोज फ्रॉम 39 to 33 एज ऑफ September 2022 टू 114 to 120 एज ऑफ March 2024। तो ये क्यूमुलेटिव फंड मैनेजमेंट एंटिटीज है एंड फंड रजिस्टर विद द IFSC है, तो पहले 39 थे अब 114 हो गए एंड पहले 33 थे अब 120 हो गए। ओके, ये आपको याद रखना है, क्यूमुलेटिव फंड मैनेजमेंट एंटिटीज एंड फंड रजिस्टर्ड विथ IFSC है, तो पहले कितने थे? पहले ये थे 39, ओके, अब हो गए हैं 114, और फंड रजिस्टर कितने थे? पहले थे 33, अब हो गए हैं 120, ओके, दिस इज़ फ्रॉम प्रीवियस टू करंट। ओके, एज ऑफ 31st March 2024 11 शिप लीजिंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद IFSC है, शिप लीजिंग कंपनीज है 11, वो भी रजिस्टर्ड है इनके साथ। डेकिन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू बी ग्रांटेड फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर देयर इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इन गिफ्ट IFSC अंडर IFSC। ओके, सो जो ये डेकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, परमिशन ग्रांट की है कि इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस खोले हो गिफ्ट IFSC में, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप। ओके, एंड 11 शिप लीजिंग कंपनीज आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग अमंग द इमर्जिंग मार्केट इन 2024। ओके, तो प्राइमरी मार्केट में देखते हैं, प्राइमरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन 10.9 लाख करोड़ रहा 2024 में कंपेयर टू 9.3 लाख करोड़ इन 2023, 9.3 से 10 करोड़ बन गया है, मतलब 10.9 नियरली 11 करोड़। सेकेंडरी मार्केट इंडियाज निफ्टी 50 इंडेक्स एसेंड बाय 26.8% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 एज अगेंस्ट 8.2% ड्यूरिंग FY 2023, जो 2023 में ये ग्रोथ निगेटिव थी, अभी 2024 में ये हो गया 26.8%। ओके, इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो कितना हो गया है? 74% था, अभी 124% हो गया है, 124%। ओके, म्यूचुअल फंड एसेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज, तो म्यूचुअल फंड बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट की ओरिएंटेशन बढ़ रही है, जैसे हमने ऊपर चेक किया। ओके,
तो इंक्रीज बाय 14 लाख करोड़ टू 53.4 लाख, ये हो गया है 53.4 लाख करोड़ हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, दिस इज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट फ्यूचर जो हम इसमें कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एनुअल नेट SIP फ्लोज मोर देन डबल फ्रॉम 0.96 लाख करोड़ टू 2 लाख करोड़, 0.96 सीधा 2 लाख करोड़ हो गया है 2024 में। 2021 में था ये 0.96 लाख करोड़, 2024 में हुआ है 2 लाख करोड़, ओके एनुअल नेट SIP, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एंड SIP दोनों में ग्रोथ हुई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंडिया का बढ़ रहे हैं। मार्केट वैल्यूएशन इज ऑल्सो ग्रोथ, कितना हो गया है ये 77% से ग्रो होके ये 124% हो गया है 2024 में, मार्केट वैल्यूएशन टू GDP रेशियो। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट ग्रो हुआ है, कितना ग्रो हुआ है 26.8% से ग्रो हुआ है। एंड प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेटेड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ 10.9 लाख करोड़, प्राइमरी मार्केट में कौन सिक्योरिटी आती है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ट सिक्योरिटीज लाइक दैट, ओके। एंड सेकेंडरी मार्केट्स में हम जो रिटेलर्स सिक्योरिटी मतलब जो मार्केट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दीज आर सेकेंडरी मार्केट्स, ओके। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइस एंड इन्फ्लेशन आर अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट बोल रही है प्राइस इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि प्राइस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, चलिए देखते हैं किस तरह से वो अंडर कंट्रोल है। इंडियाज इन्फ्लेशन लोअर देन EMD मतलब इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग इकोनॉमीज है जो, उसके कंपेयर में इंडिया का इन्फ्लेशन कम है ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं, ये है इंडिया पर्पल लाइन वाला, दिस इज इंडिया। तो इन्फ्लेशन 2023 में 5.4 एंड इमर्जिंग मार्केट ग्रीन वहाँ पे 8.3 था, हमारा 5.4 है। एंड जो एडवांस इकोनॉमीज है जापान विकान जैसी, वहाँ उनका है 4.6%, ओके उनका इन्फ्लेशन कितना है 4.6% और हमारा इन्फ्लेशन कितना है, हमारा है 5.4%, कंपेयर टू दिस इट इज़ लोअर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट एवरेज डेविएशन फ्रॉम इन्फ्लेशन टारगेट, तो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट थे इसके डेविएशन हम काफ़ी कम है, हम डेविएट हुए सिर्फ 1.8% से, ओके। सबसे कम डेविएशन है साउथ अफ्रीका का, सबसे हाई डेविएशन है रशिया का 4.8%, हमारा सबसे लोवेस्ट मतलब सेकेंड लोवेस्ट है 1.8%। ये है 2021-23 में कितना हुए थे हम डेबिट, 1.8% से डेबिट हुए थे हमारे इन्फ्लेशनरी टारगेट से, ये आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका इसमें से लोवेस्ट है 1.3%, फ्रांस है 2.6%, मैक्सिको है 3.4%, USA 3.6%, ब्राज़ील है 3.9%, जर्मनी है 4%, UK है 4.3%, ओके। लेकिन आपको सिर्फ इंडिया का याद रखना है, एंड लोवेस्ट डेविएशन साउथ अफ्रीका में था एंड हाईएस्ट रशिया में था, इतना तो पूछेंगे नहीं, 1.8% इंडिया का याद रखिए आप तो भी काफ़ी है। एक बार हम EMD को देख लेते हैं, EMD क्या होता है, इमर्जिंग मार्केट डेवलपमेंट इकोनॉमीज, दे कैन स्टैंड एज अ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज, दीज इकोनॉमीज अकाउंट 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ GDP, ओके। EMD 60% ऑफ GDP while 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसलिए इन्हें इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज कहते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज द मेन ड्राइवर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, EMDs आर इंपॉर्टेंट, इंडिया इज वन अमंग द EMDs, ओके। अभी देखते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, एक बार हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन का डिफरेंस जान लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर्स इंक्लूड इन्फ्लेशन इन द बास्केट ऑफ द गुड्स दैट इंक्लूड कमोडिटीज लाइक फूड एंड एनर्जी, इसमें काफ़ी सारी कमोडिटीज होती है एंड फूड एंड एनर्जी इज वन ऑफ द मेन कमोडिटी इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाइल कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड एनर्जी एक्सक्लूड करते हैं, इट एक्सक्लूड फूड एंड एनर्जी, ओके। तो कोर मतलब एकदम कोर फूड एंड एनर्जी, क्योंकि फूड एंड एनर्जी है जिसमें इंस्टेबिलिटी काफ़ी होती है, जिसमें डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं फूड एंड एनर्जी के प्राइजेस में। तो अभी हम आंकड़े देखेंगे क्या हुआ है, एंड दिस इज फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है 7.5%, फूड की कीमतें बढ़ी है, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को लोवेस्ट बोल रहे हैं, फूड एंड एनर्जी इंक्लूड होता है उसमें, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी इंक्लूड हो गया, फूड इन्फ्लेशन इज सेपरेटली। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ है, कितना हुआ है 5.4%, 23 से कम हुआ है थोड़ा। वायर कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है 4.3%, फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिए तो कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। तो हमें याद रखना है कि इन्फ्लेशन कितना था, हेडलाइन इन्फ्लेशन था 5.4%, कोर इन्फ्लेशन था 4.3%,
दिस इज हेडलाइन, दिस इज कोर एंड दिस इज फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इविडेंट इन ईजिंग द कोर इन्फ्लेशन टू 4 ईयर्स लो। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट वो है जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक RBI से लोन बोरो करती है अपनी सिक्योरिटीज उनके पास गिरवी रख के, दिस इज रेपो रेट। तो जो रेपो रेट के जो रेट्स है वो धीरे धीरे बढ़ाए गए हैं, करेंटली इट इज 6.5% है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो 6.5% बढ़ाने के बाद धीरे धीरे कोर इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, ऐसा इनका मतलब है। पहले 7.1% था कोर इन्फ्लेशन, अभी है 3.1% एज ऑफ June 2024। ओके, तो वन ऑफ द रीज़न ये बोल रहे हैं कि रेपो रेट हमने बढ़ाया है कंटिन्यूसली, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता गया है। तो रेपो रेट वगैरह याद रखना जरूरी है आपको, जून का 3.1 एंड मार्च का 4.3 कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन है 5.4% वाइल 7.5% है फूड इन्फ्लेशन, इट कैन बी आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए टू कंटेन इन्फ्लेशन? LPG एंड फ्यूल के प्राइस में कम कर दी गई है, ठीक है, फिलहाल तो ठीक ठाक प्राइस है LPG एंड फ्यूल की प्राइसेस। एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन ऑन सीरियल्स, ओनियन एंड शुगर, सीरियल्स, ओनियन एंड शुगर के एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिशन लाया गया, ठीक है। स्टॉक मॉनिटरिंग ऑफ द सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल एंड पल्सेस के स्टॉक पे मॉनिटर किया गया। सब्सिडाइज सेल ऑफ सीरियल, पल्सेस एंड ओलियन, सब्सिडी दी प्रोवाइड की गई, ठीक है। रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ द पल्सेस एंड एडिबल ऑयल, इम्पोर्ट की जो ड्यूटी थी पल्सेस एंड एडिबल ऑयल की उनको कम किया गया। इस तरह से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम कि सब्सिडाइज सेल ऑफ द एसेंशियल फूड आइटम अंडर भारत ब्रांड, तो भारत दाल एंड मूंग, भारत मूंग दाल कितनी है 107 kg, मार्केट में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रेट है, 150 से भी ऊपर है। एंड साबुत मूंग का रेट है 93 rupees पर kg, ये भारत दाल एंड मूंग का है। भारत आटा 27.5 kg, नॉर्मली आप लेने जाओ तो 40 rupees kg के आसपास आता है। भारत राइस है 29 kg, ओके। भारत दाल एंड चना है 60 kg फॉर 1 kg पैक, भारत दाल चना, एंड 55 kg फॉर 30 kg पैक, ओके। अगर आप 1 kg का पैक लोगे तो 60 rupees पर kg के हिसाब से। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन LPG एंड फ्यूल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से LPG एंड फ्यूल प्राइसेस में कमी आ गई, ऐसा इनका मानना है, ओके। तो यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं कि किस तरह से कट हुए LPG के प्राइस, एंड फ्यूल एंड डीजल के इन्फ्लेशन के प्राइस पे भी कट आ गई है। पेट्रोल फॉर व्हीकल, डीजल फॉर व्हीकल, पेट्रोल में एंड डीजल में सेम तरह के प्राइस रिडक्शन हुए हैं। रूरल अर्बन इन्फ्लेशन गैप इन सिलेक्टेड स्टेट FY24, ओके। तो इनका कहने का मतलब है कि स्टेट विथ हाई इन्फ्लेशन शोज वाइड रूरल गैप, रूरल अर्बन गैप, जो इन्फ्लेशन जहाँ ज़्यादा है रूरल अर्बन गैप वहाँ ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट विद द हायर इन्फ्लेशन शोज अ वाइडर रूरल अर्बन गैप। तो सबसे ज़्यादा रूरल अर्बन गैप कहाँ पर दिखाई दे रही है? नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 मिजोरम, एंड नंबर 3 हरियाणा, 5.9 एंड 12, ओके। दिस इज इन परसेंटेज, हायर इन्फ्लेशन है वहाँ पे रूरल अर्बन गैप ज़्यादा है, ओके। मणिपुर, मिजोरम एंड हरियाणा, ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे ये हमें देखने को मिला है, ओके। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन अ ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस वेल फॉर द इंडियन इन्फ्लेशन आउटलुक। ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस है उनमें डिक्लाइन आ गया है, इसीलिए इन्फ्लेशन इंडिया का कम हुआ है, ऐसा इनका मानना है। एंड 25 में और ये कम होगा, मतलब टोटल है, टोटल भी कम होगा, फूड में भी 2025 फोरकास्टेड है वो कम होगा। एनर्जी की प्राइसेस डाउन होगी, ऑयल एंड मेटल भी डाउन होगी, फर्टिलाइजर भी डाउन होगा, बेस मेटल है वो थोड़ा प्राइस इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि सबकी प्राइस कम होगी, बस बेस मेटल है उनकी प्राइस बढ़ सकती है। एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी अमिड्स प्लेंटी, ओके। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो मोर देन डबल हो चुका है 9 ईयर में सर्विस सेक्टर दुगना हो गया है। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट शेयर इन द वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट कितना है? 4.3%, ओके। 4.3% है इंडिया का सर्विस सेक्टर शेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, 4.3%। इंडिया की रैंक कितनी है? सेकंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सपोर्ट में, ओके। इंडिया की रैंक है 6 पर्सनल कल्चर रिक्रिएशनल सर्विस एक्सपोर्ट में। इंडिया की रैंक है 8 वर्ल्ड अदर बिजनेस सर्विस एक्सपोर्ट में, ओके। तो इंडिया का हिस्सा कितना है? 4.3%, ये आपको याद रखना है। सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक है सेकंड, किस में? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन में। सेकंड रैंक इन टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर में। इंडिया की 6th रैंक है किस में? वर्ल्ड पर्सनल कल्चर रिक्रिएशनल सर्विस एक्सपोर्ट में, ठीक है। इंडिया की रैंक 8th किस में है?
वर्ल्ड अदर बिजनेस एक्सपोर्ट में, ये दोनों आप तो याद रख लीजिए, बाकी के दोनों कोशिश करिए याद रखने की, ट्राई टू रिमेंबर। ओके, आंकड़ों के माने 2024 में 341 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है हमने। ओके, 9 ईयर्स में डबल हुआ है बोलते हैं, तो 158 से 341 हुआ है, ये 341 यूएस बिलियन डॉलर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये याद रखिए, याद रखिए, तीन चीज़ें तो याद रखिए पक्का। 341, 4.3% शेयर है हमारा, एंड सेकंड रैंक है टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में। रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। दीज आर द ऑफशोर यूनिट सेटअप बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू कैरी आउट अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक फंक्शंस ऑफ द पेरेंट कंपनी। ओके, दीज आर द मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो अपने ऑफशोर यूनिट सेटल करती है, किस लिए? पेरेंट कंपनी के मल्टीपल फंक्शन सेटल करने के लिए। दिस यूनिट विच प्रीवियसली एंगेज इन द सिंपल बैक ऑफिस फंक्शन हैज नाउ इवॉल्व इनटू हैंडलिंग सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू चेन। सर्वे सेड दे अकाउंट फॉर मोर देन 1% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। ये 1% ऑफ कंट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो 2023 में नंबर ऑफ जीसीसी 1600 थी। ओके, उनसे रेवेन्यू आया 460 करोड़। इंस्टॉल जीसीसी टैलेंट कितना है? 16.59,000। और नंबर ऑफ जीसीसी यूनिट कितने हैं? 2740। ये अब तक की बात है 2023। 2028 में कितना होगा? 1600 से 2100 हो जाएगा। ओके, रेवेन्यू आएगा 900 करोड़ 460 से। टैलेंट इंस्टॉल जीसीसी टैलेंट 3400 हो जाएगी, एंड नंबर ऑफ टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे? 3200। तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखिए व्हाट इज जीसीसी। ओके, करंटली कितने जीसीसी है, एंड टोटल नंबर ऑफ जीसीसी 2100 हो जाएंगे, करंट कितने याद रखिए, एंड नियरली कितना कंट्रीब्यूट करती है। ओके, नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंप्रूव्स फ्रॉम 44 इन 2018 टू 38% इन 2023। तो उसमें किस किस ने, मतलब कैसे हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ? सबसे पहले इंडियाज़ हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब एक सेंटर में एक मेन कंपनी होती है, एंड इसके काफ़ी सारी छोटी कंपनीज होती है। दिस इज़ हब एंड स्पोक मॉडल। सो दिस सपोर्ट्स स्मॉल कंपनीज एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी सर्विसेज। नेक्स्ट है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज इंडिया की, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ इसलिए हुआ, रिड्यूस रिलीज टाइम बाय द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिलीज टाइम मतलब जो हम शिप हमारे इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं उनको कितना फास्ट रिलीज किया है। सागरमाला जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका फ़ायदा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस एट द लैंड कस्टम स्टेशन। ओके, जो क्लियरेंस है वो पहले फिजिकल होता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस किया है इसलिए उन्हें काफ़ी फास्ट कस्टम सर्विस मिल जाती है। इस तरह से हमने काफ़ी अचीवमेंट की है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है। सो एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज अ टूल डेवलप बाय वर्ल्ड बैंक। इट मेजर्स द ईज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रिलायबल सप्लाई चेन कनेक्शंस एंड द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट मेक्स इट पॉसिबल। द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 6 पैरामीटर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितने होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर है देखते हैं। सबसे पहला है कस्टम परफॉर्मेंस। कस्टम परफॉर्मेंस नंबर सेकंड पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। ओके, थर्ड पे है ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स। फोर्थ पे है लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी। ओके, फिफ्थ पे है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड सिक्स नंबर पे आता है टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट। ओके, तो याद रखने की ज़रूरत है हमें कि नंबर फर्स्ट पे है कस्टम का। कस्टम का कैसा परफॉर्मेंस है, कितने फास्ट वो शिप को रिलीज़ कर रहे हैं, कितने फास्ट पास हो रहे हैं वहाँ से ऑर्डर ये। सेकंड नंबर है इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी है हमारे यहाँ वो। थर्ड नंबर पे ईज़ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ शिप, कितने इजीली हम शिप अरेंज कर पाते हैं वो शिपमेंट्स। फोर्थ है लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, लॉजिस्टिक की सर्विस क्वालिटी कैसे है ये, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, हम कपने कंसाइनमेंट को ट्रैक कर पाते हैं क्या, ट्रेस कर पाते हैं क्या, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिक्स्थ है टाइमलाइन इज ऑफ द शिपमेंट, तो शिपलाइन की टाइमलाइन है वो किस तरह से है, शिपमेंट हम कब भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं वो। तो ये 6 चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। तो अभी हमारा रैंक कितना है? 38।
पहले था 44। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, तो ये क्या है? पीएम गतिशक्ति किस लिए निकाला था? टू इंश्योर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। इट विल बी फोकस ऑन द एक्सपीडिएटिंग वर्क्स ऑन द ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग जॉब। गतिशक्ति स्कीम विल सबज्यूम ₹110 लाख करोड़। तो गतिशक्ति स्कीम थी, गतिशक्ति स्कीम, उसका आउटले कितना था? 110 लाख करोड़। ओके। एंड दी नेशनल इंश्योरेंस पाइपलाइन 2019 में लॉन्च किया गया था इसे 110 आउटलाइन के साथ। एम टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड द 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने थे इसमें हमें एंड 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने थे इसमें हमें ओवर द तमिलनाडु। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे थे? एक तमिलनाडु में बना था और एक यूपी में बना था हमें, ठीक है। एक्सटेंडिंग 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेज, ये भी इसका एक एजेंडा था, 4G कनेक्टिविटी टू ऑल विलेज, ठीक है। और एडिंग 17,000 किलोमीटर टू द गैस पाइपलाइन नेटवर्क, 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का एक जाल बिछाना था इसमें, इसका ये था। ओके। और इसके साथ ही था नेशनल लॉजिस्टिक पाइपलाइन। नेशनल लॉजिस्टिक पाइपलाइन थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर, जो 17 सितंबर 2022 को विज्ञान भवन से शुरू हुई थी। द पॉलिसी एम्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 13% to 14% एंड लीड इट टू द पार विद द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। दिस विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द बोथ द इंडियन होम मार्केट एंड द इंटरनेशनल मार्केट। मोर ओवर द रिड्यूस कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज द इफिशियंसी एफर्ट्स कटिंग अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच इंकरेज द वैल्यू एडिशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो लॉजिस्टिक पाइपलाइन से हमारा कॉस्ट कटिंग लॉजिस्टिक की थी, वो वन ऑफ द मेन एजेंडा था। कितना कॉस्ट कटिंग करना था? 13 to 14% कॉस्ट कटिंग, ये था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एजेंडा हमारा। ओके। एंड दिस विल इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट इन द बोथ इंडियन मार्केट एंड द होम मार्केट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पढ़ लिया पीएम गतिशक्ति, पढ़ लिया एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक की इंडेक्स है, जहाँ से 44 से हम 38 रैंक लेकर आए हैं। ओके। तो उसके क्या पैरामीटर्स है एंड किस तरह से हमारे काफ़ी सारे मूलभूत अंग है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिसलिए हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट डे, हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ओके। हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन? प्रमोट FDI फ्रॉम चाइना। चाइना से हमें FDI प्रमोट करना है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं। ओके। FDI आएगा तो हमारे कंट्रीज में खुद गुड्स तैयार होंगे, जिसके लिए हमारी इम्पोर्ट्स कम हो जाएगी, तो हम ग्रो कर पाएंगे हमारे यहाँ पे, मतलब बिजनेस ग्रोथ होगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होंगी। एविडेंस ऑफ द ट्रेड डाइवर्जन फ्रॉम द चाइना इज रिफ्लेक्टेड एज इंक्रीज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट टू US, रिजल्टिंग राइज इन द ट्रेड सरप्लस। ओके। जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है US के साथ, इसलिए हमारा ट्रेड सरप्लस बढ़ा है। इंडियाज इकोनॉमिक गुड ट्रेड बैलेंस विद द US $8.7 बिलियन का। नेक्स्ट है, राइज इन इंडियाज ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन रिलेटेड द ट्रेड इन द ग्रॉस ट्रेड। तो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना हुआ है? 27.8% से वो बढ़ के अभी हुआ है 2022 में 40.3%। राइज इन द शेयर ऑफ द मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। ओके। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज इन द सर्विस सेक्टर, इंडिया हैज़ बिगन टू मूव डाउन स्ट्रीम विद इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड। ओके। तो एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड बढ़ा है हमारे यहाँ, शेयर ऑफ द हाई वैल्यू एडेड सर्विस इन सर्विस सेक्टर बढ़े हैं एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी उसका भी हमारा शेयर बढ़ा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में हमने इंक्रीज़ किया है, इंप्रूवमेंट किया है। पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या है अभी हमारी? डेवलपिंग क्वालिटी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है, इंटीग्रेटिंग MSME एंड ग्लोबल वैल्यू चेन नेटवर्क। MSME एंड ग्लोबल वैल्यू चेन का जो नेटवर्क है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द स्मॉल बिजनेस। एग्जिट का जो प्रॉब्लम था, एंट्री तो हो सकती है लेकिन एग्जिट प्रॉब्लम जो इशू था उसको काफ़ी हद तक हमने सॉल्व किया और उसको अब और मतलब उसमें जो इश्यू है उनको कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, वर्किंग टूवर्ड्स द ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर, ट्रेड को फैसिलिट करने के लिए जो मेजर है उन पर वर्क करना ज़रूरी है। स्टेबल डिक्लाइन इन द एक्सटर्नल डेट टू द GDP रेशियो, हमारा एक्सटर्नल डेट है वो GDP से कम हुआ है। कितना कम हुआ है? पहले जो था आप ये आंकड़ा देख सकते हैं $600 बिलियन के आसपास था, जो कम होके 2024 में कितना है? नियरली $400 बिलियन के आसपास है। ओके। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट, दिस इज जस्ट एस्टिमेट, लेकिन 400 US बिलियन डॉलर के आसपास है, उससे भी कम हो सकता है।
इंडिया विटनेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारी इंक्रीज हमेशा होती रहती है। तो 2024 अप्रैल 2023 टू मार्च 2024 में कितना हमारे पास रिजर्व आया, $68 बिलियन का। हाईएस्ट लेवल ऑफ FPI इन्फ्लोज। ओके, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया में आफ्टर 2015 से। 2015 से इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई है, $44.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि 2022 में निगेटिव हो गई थी, 2023 में भी निगेटिव हुई। ये कोरोना का पीरियड है, 20 से कोरोना शुरू हुआ, यहाँ पे बढ़ी, फिर 2 साल निगेटिव हुई। करंट अकाउंट सरप्लस इन Q4, करंट अकाउंट डिफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस पे आ गए हम। ओके, इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। करंट अकाउंट सरप्लस कितना है, 0.6। लास्ट टाइम हमारा करंट अकाउंट सरप्लस कब था, FY22 के Q1 में 0.9। अभी है FY24 के Q4 में करंट अकाउंट सरप्लस 0.6 में आ गया है। तो दोस्तों, हम यहीं पे अपना फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं और जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गुरुकुल। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।